हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं हमेशा की तरह। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, फैजगी कंसल्टेंट एंड एजुकेशन सर्विसेज। और आज कनाडा की तरफ से बहुत अच्छी खबर है। कनाडा ने 4,500 कैंडिडेट्स को पीआर के लिए इनविटेशन भेजे हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियंस को भी, बहुत सारे इंडियंस को भी इन्विटेशन मिले होंगे, तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब मैं आपको ये पूरी एक्सप्रेस एंट्री की न्यूज़ दिखाकर समझा देता हूँ। एंड नाउ आप देख सकते हो, ये SCIC न्यूज़ बहुत ही फेमस न्यूज़ एजेंसी है और इन्होंने लिखा है एक्सप्रेस एंट्री कनाडा इनवाइट्स 4,500 टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। यानी कि कनाडा ने इनवाइट किया है 4,500 कैंडिडेट्स को PR अप्लाई करने के लिए थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। और यहाँ पे लिखा है कनाडा हैज़ नाउ इशूड 82,850 ITS दिस ईयर। यानी कि अब तक 82,850 कैंडिडेट्स को इन्विटेशंस टू अप्लाई भेजे जा चुके हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी न्यूज़ है। आगे लिखा है कनाडाज न्यू एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ टाइज फॉर द ऑल टाइम बिगेस्ट ड्रॉ एवर। यानी कि जो एक्सप्रेस एंट्री जो ड्रॉ निकला है, वो कह सकते हो कि ड्रॉ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 471 CRS था और अब भी है। आगे पढ़ते हैं, अ टोटल ऑफ 4,500 इन्विटेशंस वेंट टू एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स विद अ मिनिमम कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर रिक्वायरमेंट ऑफ 471। यानी कि पिछली बार भी 471 था, तो इसलिए इस बार भी 471 है, तो ये टाई हुआ है एक तरीके से। और आगे लिखा हुआ है द CS रिक्वायरमेंट इज द सेम एज द प्रीवियस एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ हेल्ड ऑन September 30। यानी कि जो CS की रिक्वायरमेंट्स थी वो सेम ही है जैसे लास्ट ईयर 30 September को निकला था। आगे ने लिखा है कि IRCC हैज़ बीन होल्डिंग ड्रॉज ऑफ 4,200 एवरी 2 weeks सिंस September 2। यानी कि ये बहुत अच्छी खबर है कि हर 2 week बाद ये 4,200 लोगों को इन्विटेशंस भेज रहे हैं, सिंस September 2 से ये हो रहा है। आगे लिखा है द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हैज़ नॉट हैड अ ड्रॉ ऑफ दिस साइज सिंस February। यानी कि अगर हम इस ड्रॉ की बात करें, जो ये साइज़ है इस टाइम, जो CRS स्कोर है, कह सकते हैं कि सिंस February से अब जाकर ये दूसरी बार निकला है, तो अपने आप में ये एक गुड न्यूज़ है कि इस बार ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं और जो ड्रॉ है वो भी टाई हुआ है, तो हमारे इंडियंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जांपल देके समझाऊँ कि आपका प्रोफाइल किस तरीके का होना चाहिए कि आपको भी इन्विटेशन ज़रूर मिले और आपका भी CRS स्कोर अच्छा हो। तो एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। ये है मिस्टर रूपर्ट, इज़ 29 एंड सिंगल। यानी कि ये 29 साल की उम्र है और ये सिंगल है। ही हैज़ अ BSc फ्रॉम हिज होम कंट्री वेयर ही हैज़ वर्क फॉर 6 years एज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर। यानी कि इनके पास BSc की डिग्री है और इन्होंने 6 साल एज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर अपनी कंट्री में काम किया हुआ है। आगे लिखा है ही हैज़ अ CLB यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क्स 9 इन ईच इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। कह सकते हो कि इनके 8777 बैंड्स हैं। ही हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड अ जॉब ऑफर इन हिज चोजन ऑक्यूपेशन इन न्यू ब्रंसविक। और इनको कह सकते हैं एक जॉब ऑफर भी मिल चुका है। तो इनका जो CRS स्कोर मिलता है, पूरा मिलाकर इनकी एजुकेशन और इनका वर्क एक्सपीरियंस, जॉब और इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्टीज, तो इनका बनता है 479 CRS स्कोर, जो कि 471 से 8 ज़्यादा है। तो होपफुली इनको ज़रूर इन्विटेशन मिला होगा, क्योंकि ड्रॉ जो है 471 है और इनका बन रहा है 479। तो ये एक एग्जांपल है और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको भी कुछ इसी तरीके की एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश बैंड होनी चाहिए, ताकि आपका भी स्कोर अच्छा रहे और आपको भी इन्विटेशन मिल जाए। सो आई होप कि ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना, ताकि आपको डेली न्यूज़ मिलती रहे कनाडा के बारे में। आप हमें Instagram एंड Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपके टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।